बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज हम आए हुए हैं दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन। दोस्तों चलिए चलते हैं मेट्रो स्टेशन और वहाँ का हम आपको नज़ारा दिखाते हैं कैसे टोकन लिया जाता है। और फर्स्ट टाइम अगर आप लोग आते हैं दिल्ली मेट्रो, तो आप लोग दिल्ली मेट्रो में कैसे प्रवेश करते हैं, आपको एक बात बता दूँ कि दिल्ली मेट्रो पहुँचने से जाने पे जो है कि ऊपर से भी रास्ता है, आप लोग ट्रेन के दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर से भी जा सकते हैं। बट जो है कि मैंने अभी नीचे से आया हूँ, तो मैं आपको चलकर दिखाता हूँ नीचे से। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन पर और वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों। चलिए दोस्तों चलते हैं हम मेट्रो स्टेशन पे। सो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं दिल्ली मेट्रो रेलवे स्टेशन के बाहर, और चलिए दोस्तों चलते हैं हम अंदर और अंदर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। और वहाँ पे जो है टिकट वगैरह और येलो लाइन जो भी लाइन है हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे। तो अभी हमको जाना है लाल किला, तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अंदर और अंदर का नज़ारा दिखा कर हम वहाँ पे लाल किला टोकन लेकर, और फिर हम लोग जाएंगे लाल किला, तो वहाँ का भी नज़ारा दिखाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। चलिए अंदर चल कर दिखाते हैं आपको, कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं हम जो है कि अंदर आ चुके हैं और अंदर आ गए हैं, आप चलते हैं टोकन लेने के लिए। तो हमको जो है येलो लाइन होकर जाना पड़ेगा, टोकन भी नीचे मिलेगा, और येलो लाइन होकर हमको लाल किला जाना है। तो बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक और हम चलते हैं वहाँ पे, तो अंदर वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो बने रहिए, हम चलते हैं टोकन लेते हैं, उसके बाद से फिर आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पर भी टोकन मिलता है, यहाँ पर भी टोकन मिलता है। और दोस्तों मैं ये बता दूँ कि अगर आप मेट्रो में आते हो तो जो है कि अगर आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, कहीं जाने के बारे में पता नहीं है, तो आप लोग यहाँ से जो मैप देखकर और जा सकते हो। यही है मैप, यहाँ से देखकर अगर आप लोग जा सकते हो, और जो है कि यहाँ से भी टोकन ले सकते हो। तो फाइनली दोस्तों बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, हम चलते हैं वहाँ तक, तो वहाँ का नज़ारा भी दिखाते हैं आपको, और देख सकते हैं भीड़ भी बहुत काफ़ी है यहाँ पर। तो बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। हम आपको दिखाते हैं हम टोकन लेकर, यहाँ से भी अगर आप लोग चाहते हो मशीन वाला तो टोकन ले सकते हो, और अगर आप लोग चाहते हो वहाँ खिड़की से टोकन लेने के लिए तो वहाँ से भी टोकन ले सकते हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है, और फिर मिलते हैं हम लोग आगे की तरफ। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम जो है टोकन ले चुके हैं, आप देख सकते हैं यही है मेरा टोकन, और टोकन ले चुका हूँ, चलता हूँ येलो लाइन पर और फिर वहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक। दोस्तों जब यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे जो है कि आपको ये टोकन जो मिला है इसको यहाँ पे सटाना होता है, या जो आपको डेबिट कार्ड होता है उसको यहाँ पे सटाना होता है, तब ये जो गेट खुलेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हो हम यहाँ पे सटाते हैं, टोकन खुल गया, गेट खुल गया है। तो जो है कि अब हम चलते हैं येलो लाइन पे, और वहाँ से जो है कि हम अपने मेट्रो पकड़ेंगे, फिर आपको वीडियो कंटिन्यू कर दिखाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से जो है कि हम लोग चल रहे हैं, ये पूरा जो है मेट्रो लाइन का ही बनाया गया है। तो हम चलते हैं येलो लाइन पर और फिर वहाँ से आपको वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 जो है कि यहीं पर है, ये 1 है और ये 2 है, और मेरी जो मेट्रो ट्रेन है वो आ चुकी है। तो हम चलते हैं वहाँ पे और वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं आपको। बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, बहुत ही मज़ा आने वाला है। सो देख सकते हैं दोस्तों जो है कि बहुत सारे जो है कि यहाँ पे निकल रहे हैं, तो बने रहिए, हम फिर दिखाते हैं आपको। तो फाइनली फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हम जो है कि मेट्रो के अंदर आ चुके हैं, और भीड़ के वजह से मैं अभी खड़ा हूँ, और यहाँ पर मेट्रो के अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मैं बता दूँ कि अब जब भी आते हो तो जैसे मैंने बताया वैसे ही आपको फॉलो करना है, और फॉलो कर मेट्रो के अंदर बैठ सकते हो। सो आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक, और बता दूं कि अगर जिस भी जगह जाते हो तो मेट्रो के अंदर ऐसे लोकेशन बताए जाते हैं, और एक ग्रीन से बताया जाता है जहां भी स्टेशन आता है वहां पे। तो बने रहिए वीडियो के पूरा एंड तक, और फिर हम चलते हैं लाल किला, तो फिर वहाँ से वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लाल किला, तो बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, और हम आपको दिखाते हैं लाल किला चलकर, वहाँ पे फिर स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को। बने रहिए पूरा ब्लॉग के एंड तक। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम लाल किला उतर चुके हैं, और लाल किला मेट्रो से उतर चुके हैं। आप यहाँ पे लाल किला का थोड़ा सा नज़ारा दिखाएंगे, उसके बाद से ब्लॉग के एंड करेंगे, फिर हमको लाल किला और जामा मस्जिद को भी ब्लॉगिंग करना है। तो बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, और यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दिखाकर हम फिर आपको ब्लॉग एंड करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं यही है लाल किला का जो है मेट्रो रेलवे स्टेशन, लाल किला मेट्रो रेलवे स्टेशन का जो यही नज़ारा है। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा,
अगर दोस्तों मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो बने रहिए ब्लॉग के पूरा एंड तक, और इसके बाद से जो है कि ब्लॉग इन करते हैं हम लोग। तो फाइनली फ्रेंड्स देख सकते हैं हम बाहर निकल चुके हैं, और आप लोग देख सकते हैं हम सीढ़ी होकर बाहर निकल रहे हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये मेरा ब्लॉग जो था आपको कैसा लगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। सो दोस्तों देख सकते हैं हम आ चुके हैं बाहर, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स ऑल ऑफ यू।